जवाब देते हुए सिद्धू के मुंह से आज एक अपशब्द निकल गया। हालांकि बाद में नवजोत सिंह सिद्धू ने इस बात को बदलने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एक सवाल के जवाब में जो अपशब्द सिद्धू ने इस्तेमाल किए, वो सवाल उठाता है कि आखिर ये किस प्रकार की स्ट्रेटेजी है, आखिर ऐसे बिगड़े बोल इसके मायने क्या निकाले जाए। अमित पांडे मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, चंडीगढ़ से सीधा उनका रुख करते हैं। अमित, हुआ क्या था, पूरी खबर विस्तार से बताइए, और ऐसे शब्दों का ये इत्तफाकन था या फिर इसके पीछे कोई संदेश देने की कोशिश थी, गुस्से में बोल गए सिद्धू? देखिए आशा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू और उसी बीच में उनसे एक सवाल पूछा गया अर्बन योजना के बारे में, तो उन्होंने उसका काउंटर करते हुए, लेकिन ये कह सकते हैं कि उनकी जुबान फिसली है क्योंकि बातचीत करते करते उनके मुंह से वो शब्द निकला जो जिस पर लोगों ने दोबारा काउंटर किया, लेकिन उसको उन्होंने संभालने की कोशिश की। लेकिन एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार जिस तरह सिद्धू के जुबान फिसल रहे हैं, और खासकर जब चुनाव नज़दीक है और एक दो महीने ही बचे हैं चुनाव के, और ऐसे में अगर इस तरह की बदजुबानी होती रहेगी तो इसका असर इम्पैक्ट चुनाव में भी पड़ेगा। एक चीज़ जो पिछले कई दिनों से हम सिद्धू के साथ देख रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी है पंजाब में, वो लगातार जो निशाना बना रही है वो चन्नी को बना रही है, और उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि जो इस बार का चुनाव हो वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में हो, तो केजरीवाल और चन्नी एक दूसरे पर हमला करते हैं। सिद्धू को इस बात का तकलीफ ज़रूर है कि जो वो एक जो बार बार सिद्धू का नाम पहले जिस तरह अरविंद केजरीवाल लेते थे, वो अब लेना बंद कर दिए, उनको अटेंशन मिलना कम हो गया, इसका एक फ्रस्ट्रेशन जरूर सिद्धू पर दिख रहा है। तो ये मान सकते हैं कि हो सकता है कि क्योंकि वो लाइमलाइट में नहीं आ रहे, खबरों में नहीं आ रहे पिछले दिनों से, तो उसकी एक फ्रस्ट्रेशन हो, और जुबान फिसली है। कोई इस तरह सोच समझ के तो हमें बिल्कुल नहीं लगा कि सिद्धू ने इस तरह बोला है, लेकिन यह है कि अपनी बात को संभालने की कोशिश उन्होंने बाद में की, और लेकिन क्या कहते हैं कि जब एक बार तीर कमान से निकल गई हो तो फिर वो वापस नहीं आ सकता। यही चीज़ हुआ कि जो शब्द निकले हैं उसको लेकर काफ़ी फजीहत न सिर्फ सिद्धू को बल्कि कांग्रेस।